अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एसी इंजीनियर अल्फाज। आप लोग देख रहे हो अल्फाज अरपन। 3 महीने पहले इस एसी को मैं सर्विस किया था। ये पैनासोनिक इन्वर्टर का डेड रन का एसी है। तो आज कस्टमर ने बुक किया कि ठंडा भी कम हो रहा है और वाटर लीकेज भी हो रहा। तो मैं आज आया हूँ एसी को, आज जेट पम्प सर्विस करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा पैनासोनिक एसी का ग्रिल कैसे ओपन करते हैं और होम सर्विस कैसे करते हो। तो चलिए एक बार आउटडोर देख रहे हैं। तो आउटडोर का पोजिशन कैसा है मैं तो देख रहे हैं, आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, छत के अंदर ही आउटडोर है, मतलब कोई भी काम, सर्विस, रिपेयर, गैस चार्ज, कोई भी काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और मशीन देखिए पूरा क्लीन है, क्योंकि ये खुली आसमान के नीचे है तो इसलिए मशीन में ज़्यादा गंदा होता नहीं है। क्योंकि जब बारिश होता है, एयर लगता है, तो आउटडोर नॉर्मली क्लीन हो ही जाता है। लेकिन ठीक है, फिर भी इसको फॉर्मेलिटी पूरा करना होगा, नहीं तो कस्टमर पैसे देगा तो तकलीफ होगा, बोलेगा मेरा आउटडोर में कुछ काम ही नहीं किया। चले अंदर। तो ठीक है, अभी एसी को चालू कर लेता हूँ। चालू करके मशीन का कंडीशन देखूँगा। कस्टमर मेरे को पहले ही बोल दिया है कि मशीन से ठंडा काम हो रहा और वाटर लीकेज भी होता है। तो अभी मैं एसी को चालू करूँगा। अगर मैं रिमोट से ऑन करूँगा, मेन स्विच ऑन करके, तो कंप्रेसर तुरंत चालू हो जाता है पैनासोनिक में। तो इसका डिस्प्ले भी कटा हुआ है, मैं कस्टमर को बोल भी दिया हूँ। जब इसके पहला टाइम भी आया था तभी डिस्प्ले कटा हुआ था। तो अभी टेम्परेचर मेरे को 16 पे सेट करना होगा और फैन स्पीड को हाई रखना होगा, तभी प्रॉपर मालूम चलेगा एसी के बारे में। तो देखिए एकदम रिमोट का सेटिंग फर्स्ट क्लास है। तो अभी कंप्रेसर चालू हो गया, अभी थोड़ा सा कूलिंग देख लेता हूँ। कूलिंग भी ठीक ठाक है, थोड़ा कम लग रहा, मशीन में गंदा हुआ होगा तो ठीक है। और वाटर लीकेज का जो इशू है वो गंदा का वजह से ही वाटर लीकेज होता होगा। एबार खोल के देख लेता हूँ। कस्टमर ने कुछ दिन पहले ही फिल्टर साफ किया था, उतना गंदा नहीं है। कूलिंग कॉइल के ऊपर हल्का हल्का गंदा है, तो आप लोगों को मैं कूलिंग कॉइल दिखा देता हूँ। देखिए देखिए कूलिंग कॉइल देखिए, थोड़ा थोड़ा गंदा है। अगर इसको मैं फॉर्म सर्विस करूँगा तो पूरा नया जैसा चमक जाएगा, लेकिन कस्टमर ने बोला उतना पैसा मेरे पास नहीं है तो उतना पैसा नहीं दूँगा, आप सिर्फ जेट पम्प सर्विस कर दो। तो मैं जेट पम्प सर्विस करूँगा और थोड़ा सा मैं फॉर्म भी इस्तेमाल करूँगा ताकि थोड़ा सा और भी चिकना हो जाए। तो पहले मेन स्विच ऑफ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद एसी का ग्रिल ओपन करता हूँ। देखिए फ्रेंड, ग्रिल ओपन हो गया। अभी देखिए मशीन में काफ़ी गंदा है, देखिए पूरा आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए काफ़ी गंदा है। तो अभी मैं प्लास्टिक पहनाऊँगा पीछे साइड को और उसके बाद थोड़ा सा मैं फॉर्म को इस्तेमाल भी करूँगा। फॉर्म को मैं हल्का इस्तेमाल किया हूँ लेकिन आप लोगों को दिखाया नहीं हूँ। तो ठीक है, अभी मैं जैकेट को अच्छे से कवर कर लेता हूँ ताकि कोई भी साइड में गैप ना रह जाए, ऊपर नीचे आजू बाजू किधर भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप रहेगा तो उधर से पानी लीक करेगा।
देखिए फिर एक बार पानी देखिए, 2 बकेट पानी और मैं फेंक दिया हूँ, मतलब मशीन में कितना गंदा था, ऊपर से तो दिख नहीं रहा लेकिन अंदर बहुत ही ज़्यादा गंदा था, एकदम ब्लैक पानी देखिए। तो आप लोग एक बार कूलिंग ऑयल देखे थे कितना क्लीन हुआ, देखिए फ्रेंड्स कूलिंग ऑयल देखिए अच्छा खासा क्लीन हो गया, शाइनिंग भी कर रहा, लेकिन बीच में किधर किधर थोड़ा काला काला दाग दिख रहा। वो कस्टमर ने थोड़ा बोला पैसा कम है, इसके वजह से फॉर्म थोड़ा कम लगाया था, इसके वजह से काला काला दाग थोड़ा रह गया। तो ठीक है, फिर भी काफ़ी अच्छा शाइनिंग दे रहा, तो ठीक है अभी ग्रिल को फिट कर लेता हूँ। इंडोर का काम पूरा कंप्लीट हो गया, अभी आउटडोर को वॉश करूँगा। आउटडोर यूनिट पूरा क्लीन ही है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे है तो नॉर्मली क्लीन रहता ही है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करना है। इंडोर आउटडोर दोनों को अच्छे से सर्विस कर लिया हूँ, अभी एसी को चालू करूँगा, चालू करके कूलिंग चेक करूँगा। और देखिए स्विच से चालू करते ही एसी चालू हो गया, तो मतलब अभी 3 मिनट टाइम लगेगा कंप्रेसर को स्टार्ट होने में। अब भी अपना एसी का मेरे से काम करवाना चाहते हो तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करिए। मैं कलकत्ता साउथ में काम करता हूँ, टालीगंज, जादवपुर, बागाजुद्दीन, गोड़िया, बेहाला, इस साइड में मैं काम करता हूँ। तो अभी कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, मतलब आउटडोर स्टार्ट हो गया, अभी कूलिंग भी बहुत बढ़िया दे रहा, कोई नॉइज भी नहीं है और वाटर लीकेज भी नहीं हो रहा। तो ठीक है आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है आप लोगों से दूसरे का अच्छा टेक्निकल वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जय जवाहर लाल।